हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग को ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। आज मैं लाया हूँ फोर्जिंग टूल, हाउ टू ड्रॉ फोर्जिंग टूल फॉर अ कंपोनेंट। आज हम देखेंगे फोर्जिंग टूल कैसे बनाते हैं। पहले एक सिमुलेशन, एक बेसिक एनिमेशन देख लेते हैं जिस तरह का हम लोग को बनाना है। ये टूल हम लोग को क्रिएट करना है जो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये कंपोनेंट है और ये जो ये है ये अपसेट कंपोनेंट बार है जो कि हम लोग यहाँ पे डाई में सेट करेंगे। उसके बाद ऐसा कंपोनेंट हम लोग को गिवन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पूरा टूल कैसा दिखता है। ये हमारा टूल है, कंप्लीट फोर्जिंग टूल। अब इसमें मैं चला के दिखाता हूँ कैसे प्रोसेस होगा। ये हमारा बोस्टर प्लेट, टॉप बोस्टर प्लेट आया, फोर्जिंग किया, उसके बाद ये इजेक्शन कर रहा है और ये कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ऐसे हमारा फोर्जिंग कंपोनेंट क्रिएट होता है, बनता है। अब हम जानते हैं कंपोनेंट होता क्या है, फोर्जिंग टूल होता क्या है। ये फोर्जिंग टूल का पिक है, इसमें हॉट फोर्जिंग टूल क्रिएट किए हैं जिसमें ये टॉप बोस्टर प्लेट है, टॉप क्लैंपिंग प्लेट है। ये जो क्रिएट किया हुआ है इसका पीडीएफ भी आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये फोर्जिंग टूल होता क्या है। फोर्जिंग टूल इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ अ मेटल थ्रू हैमरिंग, प्रेसिंग और रोलिंग। ओके, ये एक फोर्जिंग टूल जो होता है वो शेप डिफॉर्मेशन का वर्क करता है। और ये टाइप्स हैं फोर्जिंग टूल के, उस टाइप को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है वो बेसिस दिए हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट। फोर्जिंग टूल हम लोग जो बनाए हैं कंपोनेंट के लिए वो कुछ इस टाइप का दिखता है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, टेम्परिंग जो कि हम लोग बार को करते हैं टेम्परिंग, उसके बाद एफसेटिंग करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, इजेक्शन करते हैं, डाई जिसके थ्रू हम लोग फोर्जिंग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ये कुछ डिफेक्ट है फोर्जिंग टूल के जो कि फोर्जिंग कंपोनेंट बनने के बाद उसके इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट और टूल दिखता कैसा है। ये हम लोग का टूल है, पूरा एक कंप्लीट फोर्जिंग टूल। ये बार है जो कि बार कटिंग, नॉर्मल कटिंग बार से किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये एफसेट है, एफसेट डाई जिसपे हम लोग बार कटिंग डालेंगे और कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा। उसके बाद ये बॉटम डाई है, ये टॉप डाई है जिसकी हम लोग असेंबली करके इस तरह का कंपोनेंट निकालेंगे। और ये इजेक्शन है, ये इजेक्शन पिन है, ये इजेक्शन रॉड है, ये इजेक्शन प्लेट है, इजेक्टर प्लेट। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंपोनेंट दिखेगा कैसा। ओके सॉरी, अभी हम
इसको इजेक्ट नहीं किए हैं, सेव इट, यस ओके सेव। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट दिखेगा कैसा हम लोग का, इसने दिया नहीं है कंपोनेंट असेंबली, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसी में देख लेते हैं। ये है हम लोग का जिसमें हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे, ये दिख रहा है आप लोग को, ऐसा कुछ कंपोनेंट कंप्लीट बनके फोजिंग होके मिल जाएगा हम लोग को, जिसको जिसमें हम लोग वो प्रोसेस करेंगे जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था, उसके बाद फोर्जिंग टूल, फोर्जिंग होने के बाद वो प्रोसेस होगा जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।